कोई हम राम शमशान कब्रिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान हिंदुस्तान नहीं बतियाएंगे, हम किसान बतियाएंगे, रोजगार बतियाएंगे, नौजवान बतियाएंगे। अब अपने बेटे और बेटियों की चिंता व्यक्त करने वाले लोग हैं, हम समाजवादी लोग हैं। इस रसरा विधानसभा क्षेत्र के कितने हेक्टेयर जमीन पे किसानों की सिंचाई हो पाती है कि नहीं हो पाती है, कितने हमारे सरकारी नलकूप बंद है कि खुले हैं कि उनकी नालियाँ टूट फट गई है, इस सारे बिंदु को उठाऊंगा मैं देखूंगा अपने आंखों से कितनी पीएससी है, कितनी सीएससी है, उनके क्या दुर्दशा, उसमें डॉक्टर है कि नहीं है, एम्बुलेंस में पेट्रोल है कि नहीं है। सर आप रसरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं जबकि लगातार दो बार से यहाँ पे बीएसपी का कब्जा है, क्या माना जाए, इस बार उस किले को भेद पाएंगे आप? जी बिल्कुल भेद पाएंगे, जब उन्होंने गरीबों का कुछ किया ही नहीं, किसानों का कुछ किया ही नहीं, बेरोजगारों का कुछ किया ही नहीं, सिर्फ तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के 37 महत्वपूर्ण विभागों में सिर्फ एक विभाग पे काम किया, वो भी अपने फायदे के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए, और 36 विभागों को उन्होंने छुआ तक नहीं, इसलिए ये 36 विभाग वाले उनको भेज देंगे। जब उनसे बात होती है तो बड़े दावे के साथ कहते हैं कि बाकी पार्टियां यहाँ कैंडिडेट केवल पिकनिक मनाने के लिए भेजती है, वह समय और वक्त बताएगा कि पिकनिक वो मनाने जाएंगे पैराशूट पहन के कि मैं मनाने जाऊंगा। इस बार की लड़ाई किस मुद्दे पे हो रही है? मेरा विकास का मुद्दा है, मेरा किसानों का मुद्दा है, नौजवानों हर नौजवान के हाथ में काम हो, बेरोजगारों के हाथ में काम हो, ये मेरा मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा कि कोरोना काल में जो 17,000 लोग, जो रसड़ा विधानसभा के लोग जो पलायन कर करके देश विदेश में जा करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई और खिलाने पिलाने के लिए रोजी रोजगार की के लिए भटक रहे थे, कोरोना काल में दर दर की ठोकरें खाते हुए पैदल पैदल अपने इस रसड़ा की सरजमी पे आए हैं, उनका दुख मैं बिल्कुल इस विधानसभा रसड़ा से अगर निर्वाचित होकर जाता हूँ तो उनका दुख दूर करूँगा और यहीं पे औद्योगिक क्षेत्र बनाऊंगा, यहीं पे उनको रोजगार दूंगा, हर हाथ में काम दूंगा, हर हाथ में रोजगार दूंगा। सर एक मिनट, आप बात रोजगार की करते हैं, इंडस्ट्री की करते हैं, ऑलरेडी कांग्रेस यहाँ दो इंडस्ट्री लगाई थी जी, एक सपा के कार्यकाल में बंद हुआ था जी, और एक भाजपा के कार्यकाल में बंद हुआ था जी, और सौभाग्य से सपा के साथ हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि रसड़ा में जो बंद चीनी मिल है और कताई मिल का जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, जो रसड़ा की जल निकासी नगर की है, जो जल निकासी की समस्या है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि 2022 की 10 मार्च के बाद जब हमारी रिजल्ट आती है और जब मैं पहले बजट सत्र में जाता हूं तो निश्चित रूप से इन सारी समस्याओं का निजात पहले ही बजट में मैं कर दूंगा। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, अगर कोई मुझसे अपनी लड़ाई समझता होगा तो उसकी मूर्खता है, ठीक है। जिस पार्टी से आप टिकट लेके आए हैं उस पार्टी का ये गढ़ माना जाता है, तो सेकंड पार्टी भी उसी तास के पद में पत्ता को खोली हुई है, कितना असरदायक रहेंगे? चाहे जितने पत्ते खोल लें, अब उनका कोई भी पत्ता इस रसड़ा में चलने वाला नहीं है, इसलिए कि मैं महेंद्र चौहान हूँ, छात्र राजनीति के कोख से आया हूँ, मैं जमीन से राजनीति उठाऊंगा, मैं देखूंगा कि इस रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के कितने हेक्टेयर जमीन पे किसानों की सिंचाई हो पाती है कि नहीं हो पाती है, कितने हमारे सरकारी नलकूप बंद है कि खुले हैं कि उनकी नालियां टूट फट गई है, इस सारे बिंदु को उठाऊंगा मैं देखूंगा अपने आंखों से कितनी पीएससी है, कितनी सीएससी है, उनके क्या दुर्दशा, उसमें डॉक्टर है कि नहीं है, एम्बुलेंस में पेट्रोल है कि नहीं है, इस सारी समस्याओं को उठा करके मैं आगे बढ़ने का काम। दुर्भाग्य है इस देश का कि आप बोल रहे हैं कि मैं छात्र नेता आया हूं और आपके सामने अभी कुछ हफ्ते पहले इलाहाबाद में छात्र को बंदूक के बट से मारा जाता है और कोई राजनीतिक पार्टियां उन छात्रों के साथ खड़ी नहीं है, अब ये नाइंसाफी क्यों, केवल अखिलेश जी आए थे? छात्रों की चोट इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी, हम लोगों ने तय कर लिया है, छात्र नौजवान किसान बीए टेट जितने सड़क पे घूम रहे हैं, हमारे दर दर की ठोकरें खा रही है उत्तर प्रदेश की जनता, उसका सिर्फ एक ही दवाई हमारे गठबंधन को सपोर्ट, माननीय श्री अखिलेश यादव की सरकार, आने वाले दिनों में सबकी सब समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। सर बात कही जा रही है कि एक तरफ भाजपा राम मंदिर को मुद्दे बनाकर, विकास मॉडल को मुद्दा बनाकर, राम शमशान कब्रिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान हिंदुस्तान नहीं बतियाएंगे, हम किसान बतियाएंगे, रोजगार बतियाएंगे, नौजवान बतियाएंगे, अब अपने बेटे और बेटियों की चिंता व्यक्त करने वाले लोग हैं, हम समाजवादी लोग हैं। क्या माना जाए कि बहुत दिन अरसों बाद यहाँ 37 साल बाद कोई
कोई किसान की बात करने वाला नेता आया है, ये जुबलीबाजी होगी कि काम होगा? ये आपको समझ में आएगा 10 मार्च के बाद। मैंने पहले ही बोल दिया कि हमारी सरकार आ रही है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अब यह तय हो गया है कि रसड़ा का संपूर्ण विकास होगा और उत्तर प्रदेश के जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं सभी विभागों का काम नहीं होगा। सिर्फ एक विभाग पर जो इन्होंने पीडब्ल्यूडी पे काम किया है, सिर्फ पीडब्ल्यूडी ही व्यवसाय के नजरिए से नहीं चलने वाली है, चलेगी तो हर विभाग का काम चलेगा जिसमें सबका फायदा हो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।